अब हम आर्टिकल 22 पर कंसंट्रेट करेंगे. इट इज अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन. ये दो तरह का होता है, एक प्यूनिटिव और दूसरा प्रिवेंटिव. प्यूनिटिव मतलब हुआ कि समान दंड विधि के अधीन कोई गिरफ्तार किया गया है उसके संदर्भ में जो है प्रोटेक्शन की बात है, संरक्षण की बात है. और प्रिवेंटिव मतलब है कि संसद के द्वारा कोई कानून बनाया गया है, निवारक निरोध कानून, उसके तहत गिरफ्तार किया गया, दैट इज स्पेशल केस, तो उसके बारे में स्पष्ट रूप से संरक्षण की बात कही गई है. जो प्यूनिटिव है जिसका आर्टिकल 22 के 1 और 2 में चर्चा है, उसमें चर्चा ये है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उसका कारण बताना पड़ेगा कि किस कारण उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, पहला. दूसरा, उसको वकील के माध्यम से अपना रिप्रेजेंटेशन यानी अपने बचाव करने का अधिकार होगा. तीसरा, विद इन 24 आवर उसको मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करना होगा. उसमें ये ध्यान रहे कि यात्रा में जो समय लगता है उसको काउंट नहीं करा जाता है, तो यात्रा के समय को हटा दें तो रेस्ट 24 आवर में उसको पेश करना होगा मजिस्ट्रेट के सामने में. और अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर नहीं करा है तो उसको 24 आवर के बाद आप डिटेन नहीं कर सकते. ये समान दंडित प्रक्रिया है जिसको पुनिटिव कहते हैं. जनरल जो समान दंड विधि के तहत गिरफ्तार होते हैं उसके संदर्भ में ये पढ़ना है. दूसरा है प्रिवेंटिव. आर्टिकल 22 के 3-7 में इसका बहुत विस्तृत वर्णन है. उसमें वैसे व्यक्ति जो अन्य देश का शत्रु और या प्रिवेंटिव लॉ जो पार्लियामेंट के द्वारा इनैक्ट किया गया है उसके संदर्भ में यह लागू होता है, प्रिवेंटिव लॉ के संदर्भ में. एक यूनिक ये है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश जहां और हर एक लोकतांत्रिक देश में ह्यूमन राइट्स को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन जो प्रिवेंटिव लॉ है यहां समान परिस्थिति में भी और इमरजेंसी परिस्थिति दोनों परिस्थिति में लागू होता है. जब जितने भी लोकतांत्रिक देश है वहां जो प्रिवेंटिव जो लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में लागू होते हैं. तो ये आश्चर्य है. एक हो सकता है जो हमारे यहाँ विविधता है, अलग अलग धर्म अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल ग्रुप्स भी भारत में डिसइंटीग्रेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो उन संदर्भों को ध्यान में रखकर विशेषकर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज को ध्यान में रखकर के हमारे यहाँ समान परिस्थिति में भी प्रिवेंटिव लॉ लागू होते हैं. क्योंकि विश्व के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहां वो इमरजेंसी के काल में ही लागू होते हैं. अब आर्टिकल 22(4) में ये चर्चा है कि 4 में क्या चर्चा है उसको देखना होगा. 4 में चर्चा है कि किसी को भी गिरफ्तार किया जाएगा प्रिवेंटिव लॉ के तहत जो पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया है तो
बिना कारण बताए उसको 3 माह तक वो डिटेन करा सकता है, 3 माह तक उसको डिटेन करा सकता है। और उसमें दूसरा पॉइंट ले लिखा है कि जो डिटेन किया हुआ व्यक्ति है उसको यथाशीघ्र कारण बताया जाए, यथाशीघ्र की समय सीमा निश्चित नहीं की गई है। यथाशीघ्र की समय सीमा निश्चित नहीं की गई है तो मिनिमम 3 महीने का डिटेंशन तो फिक्स है बिना किसी कारण बताए। तीसरा पॉइंट इसमें कि उसको रिपेंटेशन देने का छूट हो, ये चीज। तो 3 महीने तक किसी को भी अगर प्रिवेंटिव लॉ के तहत अगर गिरफ्तार किया गया है तो आप आसानी से रखा जाता है प्रिवेंटेशन डिटेंशन एक्ट के तहत। और कई बार आपने सुना होगा इस लॉ के तहत 20-20 वर्ष, 15-15 वर्ष, 18 वर्ष तक गिरफ्तार किया गया, न कोई कारण बताया गया, न कोई रिप्रेजेंटेशन के लिए दी गई, और जब उसको दिया गया पता चला न्यायालय में वो बेदाग। 18-20 वर्ष में एक युग बीत जाता है, अगर कोई जवानी में गिरफ्तार हुआ तो उसका बुढ़ापा आ जाता है। तो यह एक्ट एक विवाद का विषय है कि इसका मिसयूज ज्यादा हुआ है, यूज कम हुआ है। देखिए इसको इतना ही 3 माह तक डिटेंशन की बात होती तो अलग थी, 2 और जोड़ दिया गया कि अगर 3 माह के बाद डिटेंशन को एक्सटेंड करा जाएगा तो उसके लिए 2 कारण बताए गए हैं कि हाई कोर्ट के जस्टिस के अंदर में जो कमिटी गठित की जाती है और वो कमिटी ये रिकमेंड कर दे कि ये इसको मान ले इसकी गिरफ्तारी सही है तो इसका एक्सटेंशन डिटेंशन जो 3 माह से बढ़ाया जा सकता है, या संसद द्वारा किसी इनएक्ट लॉ के तहत अगर कोई गिरफ्तार हुआ है तो उसका डिटेंशन 3 महीने से ज्यादा बढ़ाया जाता है। और इसी कारण मैंने कहा 15-20 वर्ष तक गिरफ्तार किया गया। जो पहला लॉ आया था वो आया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, ये पहला प्रिवेंटिव एक्ट था जो लगभग 1969 तक ये चला। उसके बाद जो बहुत चर्चित रहा इसका नाम आप हर एक बार आप सुने होंगे, मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, 1971। आपको याद होगा कि लालू प्रसाद ने इसी के आधार पर अपनी बेटी का नाम मीसा रखा था, मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और इसी के आधार पर लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा था। और इस एक्ट के द्वारा बहुत सारी अनलॉफुल एक्टिविटीज पॉलिटिकल मोटिव से करा गया था। जो आपातकाल था, आपातकाल में इस मीसा का बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया गया। और जब नई सरकार आई मोरारजी देसाई के नेतृत्व में तो 44th अमेंडमेंट के बाद अमेंडमेंट के तहत इसको खत्म कर दिया गया, उसको हटाने की बात कही गई, और 19 इस अमेंडमेंट के थ्रू 1979 में ये एबॉलिश्ड हुआ। तो मीसा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एक है कॉफी पोशा दैट इज 1974। ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मुद्रा संरक्षण
और जो तस्करी जो है, संरक्षण और तस्करी, ये जो होता था उसको रोकने के लिए कोफिफ पेशा 1974 में लागू किया गया था। इसको भी अबॉलिश नहीं किया गया, कोफिफ पेशा अभी भी है। उसके बाद एक बहुत आजकल चर्चा में है रासुका, रासुका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। इसके तहत बहुत लोग अभी उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, रासुका के तहत जो है ये अभी भी काफी यूज होता है रासुका, ठीक है। उसके बाद जो और सबसे ज्यादा चर्चित रहा था टाडा, टाडा जिसमें आपको याद होगा संजय दत्त भी गिरफ्तार हुए थे, काफी चर्चा हुई थी, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्ट 1985, ये टाडा था। टाडा के बाद अगर आप एक और ले सकते हैं जो बहुत चर्चित रहा, कोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज 2002, ये वाजपेयी जी के समय में आया था। और इसको पारित करने के लिए जो ज्वाइंट सेशन हुआ था आर्टिकल 108 के तहत, जो ज्वाइंट सेशन की जो बात है, तीन बार हुआ है तो ये तीसरा बार जो है ज्वाइंट सेशन इसी के लिए आया था कोटा के। उसके बाद फिर कोटा को अबॉलिश किया गया और अनलॉफुल एक्टिविटीज को प्रिवेंटेशन के लिए 2004 में एक लॉ आया जो आजकल चालू जारी है। एक और आता है एफएफसा, AFPSA, ये असम और मणिपुर में लगता है ये काफी चर्चा है एफएफसा का, और अलग अलग राज्य जो है, ये जो एफएफसा है एक्चुअली ये लागू किया गया था 1942 में ब्रिटिश कानून का, 1957 में इसको थोड़ा सा इसको रिजनवेट किया गया था। और ये जो एफएफसा लगाने की जो जिम्मेवारी थी वो स्टेट की होती है, लेकिन 1972 से यह जिम्मेवारी सेंटर के पास चली गई एफएफसा का, और मिलिट्री के द्वारा, मिलिट्री को सशक्तिकरण करने के लिए दिया गया था तो मिलिट्री के द्वारा इसका काफी दुरुपयोग किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर में इससे संदर्भित कई चर्चाएं होती हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर कभी काफी केसेस डाले गए हैं, ठीक है। तो ये सब जो है प्रिवेंटेंस है। इसको एफएफसा की कमियों को दूर करने के लिए 2004 में जीबी रेड्डी कमेटी गठित की गई थी, जीबी रेड्डी कमेटी गठित की गई थी और इसने 2005 में रिपोर्ट दी, लेकिन इसको अनदेखा कर दिया गया और आज भी यह काफी चर्चित विषय है एफएफसा का। अब हम आर्टिकल 20 एक्सप्लाइटेशन वाले पर पढ़ेंगे, आर्टिकल 23-24 राइट, एक्सप्लाइटेशन जो है उसको रोकने के लिए, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण से तो वो हम पढ़ेंगे। इसको हम लिखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन। ये आर्टिकल 23 और 24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन। अब संदर्भ में कहा था है आर्टिकल 23 को कंसंट्रेट करें कि किस किस तरीके से किसी चीज पर रोक लगाई गई। तो पहला है आप लिख सकते हैं स्लेवरी को इस पर
स्लेवरी आप उसको रोक लगा दी गई है मौलिक कार्य के तहत। दूसरा फोर्स लेबर जैसे बेगारी कहते हैं, बेगारी फोर्स लेबर इस पर रोक लगा दी गई है। उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो मानव का जो व्यापार होता है उसको देखना है। उसके बाद एक और है चाइल्ड एंड वुमेन ट्रैफिकिंग पर रोक है, जो अनैतिक व्यापार होता है, चाहे यौन से संबंधित शोषण हो, चाहे वो उसके लिए बेचा जाता हो, चाहे घर के कामों के लिए घरेलू नौकर के रूप में, इस पर रोक लगा गया। चाहे इंटरफेकिंग इसमें आया है। इसके बाद चाइल्ड लेबर पर भी आप अलग से रखिए, ये आर्टिकल 3 इससे संरक्षण देता है और इस पर इसके लिए दंडनीय कार्रवाई की गई है। और आप ये मान के रखें कि इसको लागू करने के लिए आर्टिकल 35 के द्वारा पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 35 के तहत इसको इनेक्ट करने के लिए, इसको लागू करने के लिए पार्लियामेंट को दिया गया है। पार्लियामेंट में ने कई कानून प्रदान किए थे। पहला है एक यार बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976। ये कह सकते हैं बच्चों से संबंधित ये पहला कानून है। दूसरा है महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार अधिनियम 1986। ये भी काफी ये रहा। इसके अलावा बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना एक नया आया है। बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना ये 2016 में आया है। और इसमें पुनर्वास जो पहले 20,000 की सीमा थी सहायता, उसको कर दिया गया 1,00,000। तो बहुत सारे काम किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम आर्टिकल 24 को देखेंगे तो इट इज प्रोहिबिटेड चाइल्ड लेबर। ये जो है मतलब किसी फैक्ट्री या कहीं पर भी चाइल्ड लेबर को जो है चाइल्ड लेबर का प्रोटेक्शन की बात है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे कानून पारित किए गए हैं। एक तो बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है अक्टूबर 2005 में, और 2016 में इसमें सुधार हुआ है, जो कि फिर इसको जून 2017 में भी सुधार किया गया है। इसमें बाल श्रम को परिभाषित किया गया है। एक तो पहले से कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को नहीं लगाना है औद्योगिक प्रतिष्ठानों में, और लगाया जाएगा तो उस पर दंड दिया जाएगा। थोड़ा सा इसमें अस्पष्टता थी तो 2005 में चेंज करा गया, 2016 में, और इसी का एक्सटेंडेड है जून 2017 में। इसमें कहा गया है कि अगर कोई फिल्म में काम कर रहा है बच्चा, तो उसके लिए भी शर्त रख दी गई है कि लगातार उसको 5 घंटे नहीं काम करा सकते हैं। ब्रेक ब्रेक कर करके आप 5 घंटे करा सकते हैं, लगातार अगर आप करा सकते हैं तो सिर्फ 3 घंटे।
लगातार 5 घंटे नहीं करा सकते हैं, 5 घंटे की दिन में करा सकते हैं लेकिन लगातार लगातार में 3 घंटा। दूसरा, वो जो काम करवाएंगे वो स्कूल आवर में नहीं होना चाहिए। दूसरा एक और चेंज किया गया है कि बहुत सारे गरीब माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चे को शिक्षा देना चाहते हैं, तो भारत में 6 से 14 वर्ष की जो शिक्षा, मुफ्त शिक्षा दी गई है, जो फंडामेंटल राइट हो गया है आर्टिकल 21A के तहत, तो उसको उस शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। तो घरेलू काम में मजबूरी व सहयोग भी करना हो, इसमें एक यह इनक किया गया है कि बच्चा उस पीरियड में काम नहीं करेगा। पहली बात, शर्त ये रखी गई है कि सुबह 8 बजे से पहले रात 7 बजे के बाद वो घरेलू काम में भी काम नहीं करेगा। दूसरा, स्कूल आवर में वो काम नहीं करेगा। और ये दोनों चीज हटा करके अगर उसके पास समय बचता है तो वो अपने घरेलू काम में सहयोग कर सकता है। इसके अलावा अगर कहीं अधिक प्रतिष्ठान में या कहीं पे भी जो किसी बच्चे बाल श्रम की प्रक्रिया देखी गई जाएगी तो उस पर दंड आरोपित किया गया है। अब हम आर्टिकल 24 के बाद सबसे चर्चित विवादास्पद आर्टिकल 25-28 को देखेंगे। वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, यह काफी विवादास्पद और चर्चा का है। और आर्टिकल 25 और 28 में तो इसकी चर्चा है, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारे प्रीएम्बल में स्पष्ट लिखा हुआ था, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की जो बात की गई थी उसी को फलीभूत करने के लिए आर्टिकल 25-28 में चर्चा करी गई। अर्थात हमारे यहां हमारा जो संविधान था वह धार्मिक विभेद से को मानता नहीं देता। हमारे यहां जो संविधान का प्रावधान था वह अल्पसंख्यकों के संरक्षण की का भी प्रावधान दिया गया था। इसके बावजूद 42nd अमेंडमेंट 1976 आया जिसमें द वर्ड यूज सेकुलर, पंथ निरपेक्ष, और यह सबसे चर्चित और सबसे विवादास्पद सब्जेक्ट विषय है। तो क्योंकि ये मेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हम पढ़ाएंगे आगे चल के, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में या पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में, थोड़ा सा हम हल्का से यहाँ बता देते हैं कि पीटी का बैच है इसलिए बहुत ज़्यादा एलिबरेट नहीं करते हैं। द वर्ड सेकुलर जो इससे हिंदी शब्द का अर्थ है पंथ निरपेक्ष, तो यहां जो भारत के संदर्भ में है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी धर्म को उसकी पालना में अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा, सभी को अपने अपने धर्म के पालन करने की छूट दी जाएगी, राज्य किसी विशेष धर्म का संरक्षण नहीं करेगा। लेकिन जो द वर्ड सेकुलर का जो स्पष्ट मीनिंग है, इस संदर्भ में एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखते हैं। द वर्ड सेकुलर गिवन बाय रिचर्ड हैलियॉक इन 1846 इन कंटेस्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्री स्पेशली यूरोप। रिचर्ड हैलियॉक गिवन द वर्ड सेकुलर, एक्चुअली कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में सैकड़ों वर्षों तक धर्म युद्ध हुआ।
इन कैथोलिक का बिफोर मार्टिन लूथर पूरे विश्व में कैथोलिक का बोलबाला था, लेकिन कैथोलिक धर्म में अंधविश्वास, कुरीतियां, अनैतिकता, भ्रष्टाचार बढ़ चुका। क्षमा पत्र को बेचकर राज्यों पर टैक्स आरोपित कर एक धन का वो बड़ा संग्रह हुआ करता था और हर एक राज्य के अंदर एक अलग राज्य बन गया। इसके खिलाफ में मार्टिन लूथर ने 1529 को प्रोटेस्ट किया और दैट प्रोटेस्ट इज कॉल्ड प्रोटेस्टेंट। तो जो क्रिश्चियनिटी हुआ उसको दो पार्ट हुआ, बहुत सारे पार्ट हैं लेकिन मेन पार्ट हुआ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो यूरोप में क्या हुआ, कई जगह के राजा प्रोटेस्टेंट हैं तो जनता कैथोलिक, और कहीं राजा कैथोलिक तो जनता प्रोटेस्टेंट। और आंग्सबर्ग की संधि भी 1555 में, उसके बाद भी खूनी खेल चलती रही। लगभग कह सकते हैं 1648 की वेस्टफिलिया की संधि से पहले खून खराबा अपने चरमोत्कर्ष पे था। कैथोलिक प्रोटेस्टेंट को मार रहे थे, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक को मार रहे थे। पूरे यूरोप में धर्म युद्ध बहुत घृणाक स्तर पहुंच गया था और वहां के अधिकतर लोगों को यह महसूस होने लगा कि ना तो प्रोटेस्टेंट पंथ सही है, तो रिलीजन हो गया क्या क्रिश्चियनिटी, इसका दो सेक्ट हो, दो पंथ हो गया, दैट इज कैथोलिक प्रोटेस्टेंट। तो लोगों को लगा कि कैथोलिक भी खून खराबे में विश्वास करता है, प्रोटेस्टेंट भी खून खराबे में विश्वास करता है, और उससे लाखों लोग मारे गए। तो ना तो हम इस कैथोलिक सेक्ट को मान रहे हैं, कैथोलिक पंथ को मान रहे हैं, ना प्रोटेस्टेंट को मान रहे हैं, और वो नीलिस्ट कहलाए, शून्यवादी कहलाए कि दोनों पंथ जो है वो हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, घृणा को बढ़ावा दे रहा है, तो न तो इस पंथ को मानना ना इस पंथ को मानना, तो वो सेकुलर पंथ निरपेक्ष, न इस पंथ को मानेंगे न इस पंथ को मानेंगे। वहां पंथ निरपेक्ष शब्द है जिसका इस्तेमाल रिचर्ड हैरियॉक ने करा है। भारत में इस शब्द की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा, क्योंकि भारत में सैकड़ों वर्षों तक किसी पंथ के बीच ऐसी खूनी खेल नहीं खेली गई जिसमें लाखों लोग मारे गए। अगर हिंदुइज्म है तो शैव है, वैष्णव है, शाक्त है, विचारधारा अलग अलग है। हिंदू है, सिख है, जैन है, विचारधारा अलग अलग है, पंथ अलग अलग है, लेकिन खूनी संघर्ष नहीं हुआ इसमें लाखों लोग मारे गए। इस्लाम में अगर आप देखें पूरे विश्व में शिया सुन्नी में क्लैश एग्रेसिव होता है, लाखों लोग मारे जाते हैं, लेकिन भारत में शिया सुन्नी का भी क्लैश नहीं हुआ। भारत में ईसाई में भी कैथोलिक प्रोटेस्टेंट का क्लैश नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहां धर्म जोड़ने का काम करता है, दृढ़ धातु से बना हुआ है धारण करना। तो हमारे यहां सेक्युलर शब्द का कोई मतलब ही नहीं, हम निरपेक्ष हो ही नहीं सकते। हमारे यहां धर्म का मतलब है धर्मो धारिते प्रजा, यानी हमारे रावण के राजा वो है जो प्रजा को धारण करता है। तो हमारे यहां धर्म जोड़ना सिखाता है, धर्म धारण करना सिखाता है, धर्म कालन कल्याण करना सिखाता है।
यह मार्क्सवादी भी है जिसके लिए धर्म एक असीम के समान है। यह मार्क्सवादी ये भी कहते हैं कि धर्म व्यक्ति को कुत्ता बना देता है, लेकिन हमारे यहां वो चीज लागू नहीं होती है। हमारे यहां धर्म व्यक्ति को नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है, मर्यादित करता है, पाप पुण्य का अंतर बताता है, सर्व कल्याण सिखाता है। धर्म का मूल स्वरूप हमारे यहां वसुदेव कुटुंबकम है। अगर आप धर्म के हमारे अगर सिकुलरिस्ट अगर थोप भी दिया गया है तो उसका मीनिंग यह होना चाहिए सर्वधर्म संभाव, पथ निरपेक्ष की हमारे भारत राष्ट्र में कोई जरूरत ही नहीं। व्यक्ति पंथ निरपेक्ष हो जाएगा तो व्यक्ति अनियंत्रित हो जाएगा और मर्यादित हो जाएगा। हमारे यहां धर्म का स्वरूप है सर्वधर्म संभाव। निश्चित जो सेकुलर शब्द हमारे इस्तेमाल किया गया है वो इसी संदर्भ में किया गया है, या अब इसका परिभाषा इसको गढ़ा जा रहा है उसी संदर्भ में कि राज सर्वधर्म संभाव को पोषित करता है। राज्य का कोई धर्म नहीं है लेकिन राज सभी धर्मों की अभिवृद्धि के लिए छूट देता है। उसके विचार, व्यक्ति, उपासना को छूट देता है, लेकिन इससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं हो, लोकाचार डिस्टर्ब नहीं हो, किसी के हेल्थ पर फर्क ना पड़े। तो हमारे यहां सेकुलर में क्या है कि राज इंटरफेयर भी नहीं कर सकता है, हमारे यहां राज इंटरफेयर कर सकता है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो हमारा जो सेकुलर शब्द है वो सर्वधर्म संभाव से पूजित होता है। पश्चिम की अवधारणा धर्म के निरपेक्ष होने की बात हमारे यहां नहीं है। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 25 में है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। अब यहां है प्रेफेस प्रैक्टिस प्रोपगेशन। राज्य है उपासना की छूट, उसको प्रैक्टिस करने की, उसको पालन करने की छूट, उसको प्रचार करने की छूट देगा। यानी हर एक धर्मावलंबी को धर्म का पालन, उपासना करने की छूट और धर्म के प्रचार करने की भी छूट देगा, इसकी चर्चा है। लेकिन इसको कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है कि यह पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट में ना हो, यह मोरालिटी के अगेंस्ट में ना हो और यह हेल्थ अगेंस्ट में ना। अब कई इसके केसेस आए हैं पब्लिक ऑर्डर का संदर्भ, जैसे मान लिया एक आनंद मार्गी का केस आया था 1983, उसमें वो खोपड़ी लेकर के, अस्त्र लेकर के कलकत्ता शहर में तांडव करते हुए निकल रहे थे। इससे पब्लिक ऑर्डर प्रभावित होने की संभावना थी, एक भय का वातावरण प्रभावित होने की संभावना थी, तो उसको रोक लगा दे। राज इंटरफेयर नहीं करेगा लेकिन पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए राज इंटरफेयर भी करेगा। एक और कुरैसी बात था जिसमें कहा गया कि गोवध इस्लाम का हिस्सा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, गोवध इस्लाम का हिस्सा नहीं है और अगर राज्य चाहे तो इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। और 17 राज्यों में गोवध पर प्रतिबंध लगा हुआ है और इस्लाम का हिस्सा हो ही नहीं सकता है क्योंकि
जहां इस्लाम का ओरिजिन हुआ मिडिल ईस्ट, वहां गाय होती ही नहीं, वहां भेड़ होती, वहां फाइटिंग भेड़ के लिए होती। तो वो इस्लाम ऐसा कैसे हो सकता है? और उसमें भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है। वैसे गायों का वध नहीं कर सकते हैं जो जिससे आर्थिक लाभ होने की संभावना है। अगर अगर आर्थिक लाभ नहीं हो पा रहा है, वो बेकार हो गया है, ना उसे प्लगिंग कर सकते हैं, ना उससे हम दूध प्राप्त कर सकते हैं, तो वैसे को यूज कर सकता है। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिलीजन, सो स्टेट कैन प्रोहिबिट गो पद पर रोक लगा सकता है स्टेट। और इस संदर्भ में कानून बनाने का जो पाठ है आर्टिकल 252 में दिया गया है। इसके अलावा जैसे कृपाण धारण करने का अधिकार, तो सिख के धर्म, सिख पंथ का अनिवार्य हिस्सा माना गया है, क्योंकि 5K में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसको इसका भी चर्चा हुआ आर्टिकल 251 के तहत ही करा जाता है। इसमें हिंदू शब्द को ही परिभाषित किया गया है। हिंदू में कौन कौन है? तो हिंदू में सिख, जैन और बौद्ध, ये तीनों आते हैं। ये हुआ है। आर्टिकल 26 में फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, हर एक धर्मावलंबी को अपने धर्म का प्रबंधन, मैनेजमेंट करने की छूट है। तो जिस तरीके से मैनेजमेंट करना चाहे वो कर सकता है, और उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बरसते ये तीन जो पब्लिक ऑर्डर और हेल्थ मोरालिटी, तो प्रबंधन की छूट दी गई। और इस प्रबंधन के छूट के आधार पर जैसे मान लिया वो अपने धर्म की अभिवृद्धि के लिए कहीं सम्मेलन कर सकता है, कहीं संस्था स्थापित कर सकता है, वो उसको छूट मिलेगी। आर्टिकल 27 फ्रीडम टू टैक्सेस फ्रॉम रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक गतिविधि, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, क्रिश्चियनिटी सिनेगॉग हो, चर्च हो, उसके द्वारा जो एक्टिविटी की जाती है वो टैक्स फ्री होती है। सिर्फ और सिर्फ वहां की जो नगर पर, ये याद रखिएगा, ये ऑल आर टैक्स फ्री, उसकी जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो टैक्स फ्री होती है। एक चीज नहीं होती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर मंदिर किसी नगरपालिका के क्षेत्र में हो और नगरपालिका वहां पे अपनी सर्विस दे रही है, तो उस सर्विस के बदले में वह नगरपालिका टैक्स ले सकती है। तो नगरपालिका के अंदर कोई मंदिर अपनी सफाई के लिए नगरपालिका के संसाधन का यूज करती है, नगरपालिका वो टैक्स ले सकती है, बट ऑल द रेस्ट टैक्सेस एग्जम्पशन है। और इसलिए आप देखते होइएगा, किसी को टैक्स बचाना है तो वो मंदिर में दे दिया 5 करोड़ और उससे ले लिया, वापस ले लिया, थोड़ा बड़ा दे करके टैक्स फ्री हो गया, कि मंदिर टैक्स फ्री है। इसे दुरुपयोग भी काफी होता है टैक्स बचाने के लिए। फ्रीडम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 28, हर एक अल्पसंख्यक संस्थानों को या हर एक जो शिक्षा धर्म से जुड़ा हुआ है वो अपने अपने धर्म की अभिवृद्धि के लिए शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है। ध्यान में रखिएगा उसमें कि अगर वह संस्थान स्वपोषित होगा तो उसमें वह
धार्मिक प्रशिक्षण से धार्मिक प्रचार की बातें कर सकता है, लेकिन अगर वह राज्य पोषित होगा तो वह उसमें नहीं कर सकता है। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात आई तो केंद्र द्वारा पोषित, तो आप उसमें उस चीज को प्रोपगेट नहीं कर सकते। उसके अलावा जब राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थानों में आप किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश को भी रोक नहीं सकते और न ही उसको मजबूर कर सकते हैं उस बिलीफ को, उस प्रेयर को, उस प्रैक्टिस को अपनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो हमारे यहां स्वतंत्रता है, मर्यादित है। प्रबंधन कर सकता है, मर्यादित है। अपने धर्म के बजाय शिक्षण संस्थान खोल सकता है स्वपोषण के लिए, स्वपोषित होगा तो ठीक है, राज्य द्वारा पोषित होगा मर्यादित होगा, नियंत्रित होगा। तो सर्वधर्म संभाव को पोषित करने की परिकल्पना जो प्रियम्बल में दी गई उसको आर्टिकल 25 और 28 के बीच फलीभूत करने के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए और उसका क्रियान्वयन भी बेहतर ढंग से हो रहा था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन क्षेत्र के बाद जो पंथ निरपेक्षता शब्द, सेकुलर शब्द जोड़ा गया, उसके बाद ये धर्म निरपेक्षता शब्द, पंथ निरपेक्षता शब्द गायब हो गया, धर्म निरपेक्षता शब्द हिंदी में और अंग्रेजी में सेकुलर शब्द इतना विवादास्पद हुआ कि यस इट इज मिसयूज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन जो भारत की जो परंपरा है सर्वधर्म संभाव की, उसको चोट पहुंचाने वाली लगती है, अस्थिर करने वाली लगती है। हमारे यहां कोई निरपेक्ष नहीं उसका धर्म से, हमारे यहां सर्वधर्म संभाव, सब अभी अपने अपने धर्म की वृद्धि करे, सब अभी अपने अपने धर्म का परिपालन करे, सब अपने अपने धर्म का प्रबंधन करे, लेकिन यह करने के क्रम में किसी दूसरे के धर्म भावना उपासना विचार अभिव्यक्ति का उपहास न हो, उसको नुकसान न हो। इस तरीके से हमारे यहां धर्म का सेव दिया गया है।